हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमएस बाज और आज बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा के ईएक्स मॉडल के बारे में। तो ये वही मॉडल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। जो जो भी फीचर्स आपको डेली रूटीन में चाहिए होते हैं वो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। सो आइए करते हैं शुरुआत इसके प्राइस से। तो इसका प्राइस आपको यहाँ पे एक्स शोरूम पड़ता है 11,81,200 रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अभी हम हैं डेरा बसी मोहाली पंजाब में, तो यहाँ पे इसका आपको ऑन रोड पड़ता है 13,47,609 रुपये। सो आपकी सिटी के हिसाब से ये प्राइस अलग अलग हो सकता है। अगर आपको भी अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो ये करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपके एक सब्सक्राइब करने से चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो ये देखते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन में लेंथ आपको मिलती है 4300 mm और विड्थ आपको मिलती है 1790 mm, हाइट आपको मिलती है 1635 mm। तो भाई बहुत ही बढ़िया आपको इसका डायमेंशन मिल जाता है। सो करते हैं शुरुआत इसकी लाइट से। इसके अंदर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, साथ में आपको DRLs मिलती हैं, नीचे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है और वैसे ही आपको देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मैसिव सी आपको ग्रिल मिल जाती है बीच में। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर के अंदर और साइड पे देखेंगे तो भाई डायमेंशन आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया। आपको इसकी डायमेंशन में देखें तो लेंथ आपको मिल जाती है 4300 mm। तो अभी बात करते हैं इसके साइड इंडिकेटर की। तो साइड इंडिकेटर आपको ओवरवीएम के ऊपर मिलना शुरू हो जाता है भाई ईएक्स मॉडल से। इससे पहले जो आपको बेस मॉडल मिलता है उसका आपको फेंडर पे मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 205/65R16 का टायर मिलता है। जो अलॉयज वगैरह इसमें आपको दिख रहे हैं ये कंपनी की तरफ से एज एन एक्सेसरी आपको लगाए हुए हैं। अभी इसमें आपको जो मिलते हैं वो रिम वगैरह ही मिलते हैं। तो भाई देख सकते हो साइड पे आपको जो इसका ए पिलर बी पिलर है वो आपको ब्लैक आउट मिलता है। पीछे भी आपको यहाँ पे कुछ एक्सेसरी मिल जाती है सिल्वर कलर के अंदर। व्हील बेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 2610 mm का व्हील बेस मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अभी देखते हैं बैक साइड। तो बैक साइड की लुक आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आपको बैक साइड की लुक देखने में लगेगी। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे तो आपको जो इसका ग्लास है उसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे डिफोगर वगैरह नहीं दिखेगा। इस मॉडल में आपको डिफोगर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सेंट्री माउंटेड मिल जाता है स्टॉप लैम्प। और लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको LED लाइट के साथ में इसकी मिल जाती है लाइट्स। तो इसके अंदर आपको जो बल्ब मिलते हैं वो आपको हैलोजन मिलते हैं। नीचे आप देखोगे तो आपको दो लाइट मिल जाती हैं बैक लाइट के तौर पे। सेंटर में आपको मिलता है हुंडई का लोगो, क्रेटा की बैजिंग और चार पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। पेट्रोल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको 50 लीटर का वही पेट्रोल टैंक मिल जाता है जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रेंज मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई आपको पीछे भी डिस्क मिलती है और आगे भी डिस्क मिलती है। तो सो आपको इसके अंदर चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाती है जो कि आफ्टर इसके जो अपडेशन के बाद में आपको इसके अंदर मिलना शुरू हो गया है। सो अभी बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आप देखोगे तो आपको ओवरवेम्स के कंट्रोल, लुक एंड लुक का कंट्रोल, पावर विंडो के यहाँ पर स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे। सो पीछे आपको कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं मिलता। सारा आपको पैनल जो मिलता है हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। दो कलर के अंदर आपको ग्रे और ग्रीज कलर के अंदर इसका इंटीरियर मिलता है। सो अभी बात करते हैं इसकी ड्राइवर साइड सीट की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ड्राइवर साइड सीट में आपको मिल जाती है हाइट एडजस्टमेंट। सो ये भी आपको इसके मॉडल में बहुत ही बढ़िया फीचर मिलता है। हेडरेस्ट की बात करें तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सो अभी देखते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिलता है, म्यूज़िक के कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस कमांड का कंट्रोल मिलता है और LED स्क्रीन का यहाँ पर कंट्रोल मिलता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको मैनुअल यहाँ पे मिल जाता है स्पीडोमीटर और टैकोमीटर। और यहाँ पे मैनुअली आपको फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज मिलती है। बीच में आपको स्क्रीन मिलती है जहाँ पे आपको रेंज वगैरह इसकी शो होती है। यहाँ पे काफ़ी फीचर्स आपको यहाँ पे इसमें शो होंगे।
तो अभी देखते हैं इसका इस साइड पे। तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन और इसकी लाइट्स का लेवलिंग का स्विच मिल जाता है। बीच में देखेंगे तो आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, ऊपर आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, साथ में आप देखोगे तो नीचे आपको मिल जाता है हजार्ड का बटन और मैनुअल आपको एसी यूनिट मिल जाती है। इसके नीचे आप देखोगे तो आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट USB और साथ में आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट मिलती है। 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, गियर नॉब मिलता है और पीछे आप देखोगे तो आर्म रेस्ट भी आपको मिलता है। उसके आगे आपको कप होल्डर वगैरह मिल रहा है। आर्म रेस्ट में आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज भी मिल रही है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ठीक ठाक साइज़ का आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है। साइज़ जो है इसका ठीक ठाक है, आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती, फिर भी आपको गुजारे लाइक आपकी स्पेस जो है इसमें। तो ऊपर देखेंगे तो आपको जो इसका सन वाइज़र है यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है। बीच में आप देखोगे तो आपको मैनुअल यहाँ पे मिल जाती है इसकी लाइट्स और यहाँ पे सन शेड का भी आपको यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन। लाइट्स आपको हेलोजन में मिलती हैं। दूसरे सन शेड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। IRVM की बात करें तो ये आपको मैनुअल मिलता है। सो ये है इसका पूरा इंटीरियर। तो डैशबोर्ड आप देख सकते हो, लुक्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्रीमियम फील आपको देगा। पीछे के डोर में देखिए तो वैसी ही आपको कलर थीम मिल जाएगी, कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं है। पावर विंडो का स्विच और साथ में आपको स्पीकर ग्रिल, नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। सीट्स की बात करें तो सीट्स काफ़ी चौड़े चौड़े आपको यहाँ पे सीट्स मिल रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं इसमें। तो ये है इसकी पूरी सीट्स के। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल रहा है आर्म रेस्ट। तो ये है इसकी भाई पूरी स्पेस। तो पीछे आपको एसी वेंट्स भी मिलते हैं, नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है स्टोरेज के लिए। तो यहाँ से आप इसकी डैशबोर्ड की लुक देख सकते हो। ऊपर भी आपको यहाँ पे लैंप प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। सो ये है इसकी पूरी बैक साइड की कम्फर्ट। तो अभी करते हैं इसको बंद और दिखाते हैं आपको इसका बूट। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 433 लीटर का बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है। सो बूट के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती। लाइट आपको इसके अंदर मिल जाएगी, पार्सल ट्रे आपको बाद में कंपनी की तरफ से मिल जाएगी, आप बाद में इसको लगवा सकते हो। साथ में आपको हुक्स वगैरह मिल जाती हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेम सेक्शन का ही टायर मिल रहा है। सो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि आपको सेम सेक्शन का टायर ही कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। ऊपर आप देखोगे तो आपको सारा कवर्ड एरिया मिल जाता है। सो ये इसका बूट। और अभी देखते हैं इसका इंजन। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन मिल जाता है। 1497 सीसी का ये इंजन है। 113 NM 0.18 BHP की ये पावर जनरेट करता है। 143 NM की ये टॉर्क जनरेट करता है। ऊपर आपको पूरा इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है, काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है। सो पूरा आपको नीचे से भी कवर्ड वगैरह किया हुआ ये इंजन मिलता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी की तरफ से आपको 17 से 17.5 की माइलेज क्लेम की जाती है। सो डेली रूटीन में आपको 15 से 16-17 तक आपको माइलेज मिल जाएगा। सो बात करते हैं इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग आपको कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं। सो इसके अंदर आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सो आपको गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपके एक सब्सक्राइब करने से चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो तो आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में।